दोस्तों नमस्कार, मैं मंजीव झा। दोस्तों सबको पता है कि अभी कोरोना माहौल चल रहा है। सबसे पहला तो ये हाथ जोड़ के विनती है कि सब अपने अपने घरों में रहें जितनी हो सके, और जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। सबको पता है घर से बाहर नहीं निकलना है, जरूरत होने पड़ने पे ही घर से बाहर निकलना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर करना है, यही सब दूरी बनाए रखना है, यही सबको पता है, बार बार फिर भी बोलना पड़ता है। तो अभी हम लोग गांव में हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, गांव में अपने घर के छत पे हैं, यहाँ पे छत पे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना कोई हमारे घर ही आ रहा है। चलिए दोस्तों, हम ऐसे में आपको बताते हैं कि हमारे घर जो है, घर के सामने में एक पेड़ है, आम का पेड़ है, अभी आम का सीजन है, आप सबको पता है। तो हम आपको आज बताते हैं, ये रहा, ये देखिए, ये बेसिकली हम आपको छत ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर छत है, छत के ऊपर से आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं अम्रपाली आम। होता क्या है दोस्तों, ये आम का पेड़ है, ये देखिए, ये नीचे उसका जड़ है वहाँ पे, और उससे ये काफ़ी बड़ा हो गया है और ये छत पे आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आम, बेसिकली आम का छोटी चीज़ आपको बताता हूँ कि आम ये कैसे होता है। देखिए, आम का पेड़ है, आम का पेड़ कई तरह के होता है, डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं और डिफरेंट टाइप के आम भी होते हैं, सफ़ेद आम, मालदा, मुंबई आम, फिर किशनभोग, कलकतिया, दशहरी, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये हैं हमारे यहाँ, हमारे घर के सामने एक बड़ा सा है, इसको बोलते हैं अम्रपाली आम। देखिए, इसमें क्या होता है, ये रहा आम का पेड़, इसमें रहा पत्तल, और ये पत्तल जो होता है, पत्तल के बाद ये करीब जनवरी फरवरी के मौसम में इसमें ये मंजर लगता है। ये देखिए, ये इस तरह से निकलता है, इसको बोलते हैं मंजर, और ये इसमें छोटे 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 मंजर होते हैं जो कि अभी झड़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको। और उसके बाद इसमें लगता है टिकुला, ये जो छोटा सा वाला आम है उसको बोलते हैं टिकुला, ये टिकुला, तभी आम छोटा छोटा है। तभी क्या है कि अभी अगर इसको तोड़ के काटेंगे तो इसमें बीज नहीं निकला होगा, यही आम हो जाएगा बड़ा, और बड़ा जब आम होगा तो कच्चा आम को आप वैसे तो नहीं खा सकते, बहुत ही खट्टापन होता है, कसैला होता है। ये देखिए दोस्तों, ये टूट के गिरा हुआ है, दिखाना, इधर देखिए, यहाँ पे एक टूट के गिरा हुआ, एक और ये यहाँ पे भी, ये देखिए, ये टूट के गिरा हुआ दोस्तों, ये ताज़ी टूटी हुई है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, आम को आप कभी भी तोड़ें ना, उसमें से दूध निकलता है, दूध बोलते हैं, और ये दूध जो होता है बहुत ही डेंजर होता है। ये देखिए कैमरामैन, ये देखिए अभी ताज़ी गिरी हुई, ये देखिए, ये दूध है, इसमें क्या कह रहे थे, जहाँ भी कपड़े पे लगेंगे स्पॉट वो दाग बन जाएंगे, छूटेंगे नहीं, और साथ साथ अगर जब आपके बॉडी में कहीं लग गया तो स्किन जल जाता है। तो आम को तोड़ते हुए बहुत सावधानी करते हैं, और जब आम बड़ा होता है तो तोड़ते हुए एक चीज़ और, गलती से अगर आपके आँखों में अगर चला जाए तो आँख अंधा भी हो सकता है, आँख खराब भी हो सकता है, इसलिए इसकी सेफ्टी मेजर अपनानी पड़ती है। आम तोड़ते वक्त बहुत सावधानी से तोड़ा जाता है, जिससे कपड़े पे पड़े तो कपड़ा तो खराब होना ही है, आपके बॉडी पे कहीं पड़ते स्किन जल जाता है, और आँखों में ना पड़े, ऐसा करके सावधानी करके करते हैं। यही आम, इसको, ये अभी छोटा है, इसको अगर यदि हम काटेंगे तो इसमें से जो बीज जो है, कच्चा इसका बीज निकलेगा। यही आम जब बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाए, देखिए ये छोटा सा, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसको अचार के काम में लेते हैं। जब इसको काटते हैं उस टाइम में बोलते हैं कोसा, अंदर जो बीज रहता है उसको बोलते हैं कोसा, और जब बड़ा हो जाता है तो इसको काट के इसको अचार बनाते हैं, और जब पक जाता है तो इसको खाते हैं, बोलते हैं। ये आम बहुत ही मीठा होता है खाने में, और अभी छोटा है और बहुत बड़ा होता है। और आम तो फलों का राजा, पता ही होगा कि हिंदुस्तान में फलों का राजा आम को बोला जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बच्चे बूढ़े सब इसको लाइक करते हैं, और इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं, विटामिन प्रोटीन हैं बहुत सारे हैं, गुण भी हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और डिफरेंट टाइप जितने भी आम हैं, डिफरेंट टाइप का हर आम का अपना अपना स्वाद होता है। तो दोस्तों अभी तो आम ये पका नहीं है, अभी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी तो कम से कम 2 महीने लगेंगे इसको, और ये भी छोटा है। हमने आम के बारे में जितनी भी हमको नॉलेज थी वो हमने आपको ये दिया है, और इस आम के साथ ये दे रहे हैं हमारे डिब्बू जी के ऊपर बैठे हैं, अभी वो खेल रहे थे। तो हम लोग छत पे हैं, अपने घरों के छत पे हैं, और हम लोग यहीं पे आम देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिखाओ, ये दोस्तों, ये है जामुन, जो जामुन खाते हैं वो जामुन, अभी इसमें जामुन नहीं है,
ये जामुन इसमें अभी फला नहीं, इस बार नहीं फला है, ये है जामुन, ये दिखाओ, ये दोस्तों ये बोलते हैं गुल्लर, ये बोलते हैं गुल्लर दोस्तों। इसमें गुल्लर अभी नीचे होगा, गुल्लर अभी दिख नहीं रहा है, फला हुआ वहाँ 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 है। कैमरा वो करना, देखिए दोस्तों ये है गुल्लर, इसके बहुत फायदे हैं इस गुल्लर के। गुल्लर का बोलता है बहुत सारी बीमारियां होती है ऐसे ही। गुल्लर को जब मॉर्निंग में सूर्य निकलने से पहले गुल्लर के पेट में अगर भी आप धारदार किसी से काटेंगे, उसमें दूध निकलता है, और उस दूध को क्या करते हैं निकाल के उसको, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें उसको पीने से बीमारी ठीक हो जाती है, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। और इसकी खासियत ये है कि दोपहर बाद जब धूप निकलने के बाद उसमें दूध नहीं निकलता है इस पेड़ से, ये खासियत है। सूर्योदय से पहले आप काटेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूध निकलेगा, लेकिन सूर्योदय के बाद नहीं निकलेगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके पेड़ से भी, इसके फूल से भी, इसके फल से भी। और साथ में एक और आम का पेड़ है, ये दिखाना। ये जो आम है इसको बोलते हैं, देखिए दोस्तों ये जो ये एक और तरह का पीछे का दूसरा आम का पेड़ है इसको बोलते हैं कलकतिया। ये देखिए ये कलकतिया, ये बहुत बड़ा, ये भी आम काफ़ी बड़ा होता है और दोनों का साइज अलग है। देखिए वो जो था उसका कुछ ये ऐसे लंबा टाइप का था। देखिए ये जो अम्रपाली दिखाया उसका लंबा टाइप का था, ये कलकतिया है। इसमें दिखा ये थोड़ा राउंड टाइप का है, जितने भी हैं और सबके टेस्ट भी अलग अलग हैं। ये देखिए दोस्तों ये भी आम ही है, देखिए छोटे छोटे अभी आम है, इसमें बहुत सारे आम हैं। अभी आम का पकने का सीजन नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसको। दोस्तों देखिए इसमें भी ढेर सारे आम लगे हुए हैं, अभी आम जो है पकने का टाइम नहीं हुआ है, अभी इसमें 2 महीने करीब लगेंगे, 2 महीने का टाइम है, अभी छोटा छोटा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब आम पकने का टाइम आ जाएगा तो उसमें बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।